चलेगी, गुंडागर्दी नहीं 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 चलेगी। अभी रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं, आप सबके ध्यान में रहे एक माफिया, टिम्बर माफिया, माइनिंग माफिया, और इन सब के साथ 9 नंबर और हिस्ट्री शीटर लोगों ने एक उपद्रव बचा के रखा और इस बार वो चुनाव में जिसे कहते आना चाहते हैं। हमारे घनिष्ठ मित्र और पूर्व में हमारे पार्टी में एक हमारे साथी जो इस वक्त यहाँ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, आज ये उस माफिया और उनके इस गठबंधन का नतीजा है कि उधमपुर ईस्ट की कोई ऐसा गांव नहीं, शासन और प्रशासन को कह के हमारे जिसे कहते हैं जुबान थक गई, लिखित भी दिया और मौखिक भी दिया, कोई ऐसा गांव नहीं जहां पे शराब का और जहां पे जिसे कहते हैं नोट का प्रचलन नहीं है। यह पूरा का पूरा कैंपेन जातिगत धर्मगत जिसे कहते हैं एक टिप्पणियों से ओत और प्रोत है, जो अपने आप में एक मॉरल एंड करप्ट प्रैक्टिस है एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। और आज तो एक विडंबना ही हो गई कि प्रत्याशी खुद, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी खुद साइड पे बैठे कुछ लोगों को गले से पकड़ेंगे, घसीटेंगे और रिवॉल्वर तानेंगे उनकी कनपट्टी पे जहाँ पे, ये तो हाइट ऑफ नॉनसेंस हो गया। और छोटे छोटे 16, 17 साल के बच्चों को आप पिला के उनका जिसे कहते हैं चरित्र हनन करके, आप उनका एक बुरी आदतें उनको डाल के आप इस तरीके से चुनाव में तो खैर आपका आता पता होगा। आप इतने, मेरा छोटा सा एक विनम्र निवेदन है कि आपने बहुत धरबा लगाया, बहुत झूठ बोला, बहुत ड्रामा किया आपने उधमपुर के लोगों के सामने, पर आपका ड्रामा आपका झूठ धरा का धरा है। अब लोग आपको वोट नहीं दे रहे, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया चुनाव से पहले, आपने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली, आपने चुनावों से पहले रिजल्ट के पहले ही अपनी हार मान ली। अब इतना भी कम से कम मेरा विनम्र अनुरोध है कि कम से कम समाज का जो प्रॉपर एक जो ऑर्डर है वो लॉ एंड ऑर्डर को कृपा करके मेंटेन रखें और हमारा जो आपसी सौहार्द है उसे भी बना के रखें। और फिर एक बार शासन और प्रशासन को तीव्र टिप्पणी, चाहे टिकरी है, चाहे जगानू है, चाहे खून है, चाहे मजालता, बार बार कहने और चेताने के बावजूद ये कहां से ये जिसे कहते हैं शराब की खेप और ये डोटों की जिसे कहते हैं ये इतने बड़े बड़े जिसे कहते हैं ट्रैंक कैच यहां पे पकड़े जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा मजाक है। इसे कहते हैं पारदर्शी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में, और ऐसा इलेक्शन ना कभी देखा ना कभी सुना। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उधमपुर ईस्ट की जनता कल 1 तारीख को इसका प्रचंड जवाब देगी। उधमपुर ईस्ट की जनता लॉ एंड ऑर्डर, शांति, पीस और जिसे कहते हैं ओवरऑल एक 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 क्लोजनेस चाहती है। उधमपुर ईस्ट की जनता इस माफिया का जो माहौल है, ये गुंडागर्दी का जो माहौल है, इससे नजात चाहती। नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगा माफिया राज, उधमपुर रहेगा एक शांतिपूर्वक जिला।